मुंबई और 26 जुलाई का रिश्ता है कुछ अजीब। बदल जाती हैं जिंदगियां, कुछ बिछड़ते हैं तो कुछ आ जाते हैं करीब। वागले परिवार पर ना सिर्फ बरसेगी बारिश, बल्कि शुरू होगी एक नए रिश्ते की रंजिश। क्या होने जा रहा है बाप बेटी के रिश्ते में आज से, आइए देखते हैं। गाइस कितना मस्त मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। दिख रहा है। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा मजा कल आने वाला है, बिकॉज गाइस एक सेकंड, अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे मेरे बर्थडे पे कोई भी सरप्राइज गिफ्ट मत देना। क्योंकि लास्ट बर्थडे पे जितने भी सरप्राइज गिफ्ट्स मिले थे ना मुझे, वो बहुत ज्यादा शॉकर थे। स्पेशली सौमिल, तू तुमने मुझे गिफ्ट में क्या दिया था? अ कॉफी मग। कितना मस्त था ना, एकदम प्लेन। कॉफी डालते ही तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। कम ऑन सौमिल, विवान को अपना चेहरा देखने के लिए स्टूपिड कॉफी मग की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना कैन स्प्रेड बाय आई कांटेक्ट आल्सो। व्हाट डिड यू से? अरे मैं तो बस ये आर्टिकल पढ़ रहा था। मुझे ना सब समझ में आता है, तुम और तुम्हारी स्टूपिड पीजे। विवान तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं क्या? बेब काम डाउन, मजाक ही तो कर रहा है, इट्स ओके। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? सुबह मैंने 51 कॉल की जो तुमने पिक ही नहीं की, और 52nd कॉल पे मैंने तुम्हें दो बातें क्या कही, तुमने कहा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। सीरियसली? क्योंकि वो 51 कॉल्स तुमने मुझे 30 सेकंड के अंदर किए थे, और 52nd कॉल उठाने पे तुमने दो बातें नहीं आधे घंटे की बकवास की थी। बकवास? तो वो सब बकवास था? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा चिढ़ गई थी, I gave you some bad words, so what? So what? तुमने एक बार भी पूछा कि मैं किस लिए इतना गुस्सा थी? नहीं, तुम क्यों पूछोगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Actually stupid तो मैं हूँ जो तुम्हारे बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा excited हूँ। Don't ever talk to me, don't ever call me. I just hate you. अरे अनवित, don't you ever talk to me? चुप ना। विवान, relax, okay? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। आई मीन व्हाट्स हर प्रॉब्लम? एक तो 4500 पोस्ट डालती है एक दिन में। 4500? आई मीन काउंटलेस नंबर्स ऑफ पिक्चर्स शी पोस्ट इन वन सिंगल डे। कभी पाउट तो कभी सेल्फ डाउट, हैशटैग एम आई गुड एम आई नॉट, कभी अपने पोनीटेल को कर्ल करके या तो अपनी वो डॉल के बाल को मल्टी कलर करके। What the hell is wrong with her? यार उसके हर फालतू पोस्ट पे लाइक और कमेंट करते करते मैं थक जाता हूँ यार। आई मीन आई हैव अ लाइफ, एंड ये तो कुछ भी नहीं है। दो दिन पहले उसने अपने चार उंगलियों पे नेल पेंट लगाया और मुझे दिखा रही थी और पूछा कि बेबी इसमें से कौन सा वाला सबसे बेटर लग रहा है। एंड गाइज लिटरली ऑल फोर वर पिंक, आई मीन चारों पिंक कलर्स थे यार। तो मैंने उसे इतना बोला कि बेबी चारों में से कोई भी एक लगा लो, सब सेम ही तो है। तो उसमें भी शुरू हो गई कि ओ माय गॉड बेब, तुम्हें कोरल पिंक, हॉट पिंक, रोज पिंक और सालमन पिंक में फर्क नहीं पता? अरे मुझे कैसे फर्क पता होगा, मैं कोई चित्रकार थोड़ी हूँ यार। चित्रकार? हाँ भाई, प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में है, और ब्रेन इज द प्रॉब्लम, शी इज द प्रॉब्लम। So now, I am the problem. अब से तुम्हारी लाइफ की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जा रही हूँ। ब्रेकअप। अनविता, छोड़ना, जाने दे। तू, हेलो। क्या बात है मिस्टर वागले? It's better to be singing on the job than to be sleeping. वो मौसम भी ऐसा ना कि ऐसे गाने अपने आप आ ही जाते हैं। ये कुछ फाइल्स हैं, प्लीज इसे चेक कर लीजिए। सॉरी। इट्स ओके मिस्टर वागले, सबकी यही हालत है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं।
If you're not well, then take half day and go home. नहीं 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 मैंने सिरप ले लिया तो राहत मिल जाएगी मुझे और वैसे भी आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जाना मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वंदना MTPHKT के बाण सजाए बैठी होगी. MTPHKT means? मैंने तो पहले ही कहा था. MTPHKT मैंने तो पहले ही कहा था. समग्र स्त्री जाति का अमोघ हथियार है. मैंने तो पहले ही कहा था. हर नारी का श्रृंगार है. मैंने तो पहले ही कहा था. कलेजा चीर देने वाला शस्त्र है ये. मैंने तो पहले ही कहा था. और खास करके जब वो स्त्री पत्नी हो और उसने अपने पति को सच में ऐसा कुछ कहा हो जो उस पति नाम के प्राणी ने वो बात ना मानी हो और उस बात को ना मानने की वजह से हुए नुकसान के साथ जब वो पति अपने घर पहुंचता है तब व्यंग के वार पर वार करता है ये. मैंने तो पहले ही कहा था. मिस्टर वागले मुझे कुछ समझ नहीं आया. समझाता हूँ. थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. आज सुबह मैं जब ऑफिस के लिए घर से निकला. साईनाथ महाराज की जय. बंधु आई एम गोइंग. अरे व्हाट आई एम गोइंग. देखो कितनी बारिश हो रही है. छाता लेकर जाओ. अच्छा अरे प्लीज छाता मत थमाओ. कार से जाना है. कार से आना है. और कार तक जाने में भीग गए तो या कार से ऑफिस तक जाने में भीग गए तो छाता लेकर जाओ ना. डोंट वरी. यहाँ से नीचे लॉबी से पार्किंग तक तिवारी जी छाता लेकर आएंगे. वहाँ ऑफिस पहुँचते ही चंदू आ जाएगा. चंदू के छाते में ऑफिस तक जाऊंगा. प्लीज ये छाता वाता मत चाहिए. भूल जाऊंगा. खमका छोटे बच्चे हो क्या कि भूल जाओगे. हाँ लेकर जाओ ना राज. मुझे नहीं चाहिए. मैं नहीं भीगूंगा. आई एम गेटिंग लेट. बात मत सुनो. अभी अगर भीग गए तो फिर सर्दी लग जाएगी. फिर छींक आएगी. फिर फीवर आएगा. फिर हाफ डे लेकर ऑफिस से घर आओगे. उससे अच्छा एक सिंपल सा छाता लेकर जाओ. साईनाथ महाराज समझाइए. बाहर खड़े रहो. तुम्हें छाता खोलो क्या. अरे राज बात सुना करो ना. और वैसा ही हुआ. मैं लॉबी में पहुंचा बिल्डिंग के तो वहां पर तिवारी जी थे नहीं. तो फिर मैं ऐसे भीगते भीगते अपनी गाड़ी तक पहुंचा. गाड़ी में बैठा मैंने सोचा कि हीटर ऑन कर दूंगा. कपड़े सूख जाएंगे. फिर एसी ऑन कर लूंगा. लेकिन हीटर एसी दोनों चल नहीं रहे थे. और कांच मैं ऊपर करके नहीं आ सकता था क्योंकि अंदर फॉग जम जाता था. तो मैंने कांच नीचे की और जैसे कांच नीचे की बारिश का पानी अंदर आ गया और मैं भीग गया. यहाँ आने के बाद बची हुई कसर पूरी हो गई. चंदू छाता लेकर आ गया. हमने पैंट वैंट ऐसे ऊपर की. ऐसे हम ऑफिस की ओर आ ही रहे थे कि जोर से हवा आई. चंदू का छाता उड़ गया और उसे पकड़ने के लिए फिर चंदू भी उड़ गया. भीगते भीगते ऑफिस पहुंचा और फिर अपने आप को सुखाने के लिए पंखे के नीचे खड़ा हो गया और ये हो गया. अब अगर इस हालत में मैं हाफ डे लेकर घर जाऊंगा तो घर पे तो फिर मैंने तो पहले ही कहा था कबाण तैयार होगा. Mr. Wagle, I think it's better to face Vandana's MTPHKT and take rest than OHBKC. OHBKC? Office se hafte bhar ki chutti? Arre nahi nahi. Oh. Oops. You take care. Sorry. Maine to pehle hi kaha tha ki aap mere 7 bedroom hall kitchen wale saath saath bhaiyon ne saath alag alag rang ke chhate diye usme se ek chhata le jaiye. लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे नाम मत लेना तेरे सातों भाइयों का. सब के सब फ्रॉड है. झालर सात रंग के छाते. पिछले साल जब बारिश हुई तभी सारे छातों ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया और सारे कलर मेरे शरीर पे. जब डांटने के लिए मैंने फोन किया तो मुझे कहने लगे जुज्जा जी छाते तो टॉप ब्रांड के थे. लेकिन आपने अगर वो छातों को बारिश और धूप से बचाया होता तो कभी कलर नहीं छोड़ते. कदे कहीं के क्या बोलूं अब इनको. इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे भाइयों को आपने गधा और फ्रॉड बोल दिया. क्या जरूरत है. नहीं मतलब उन्हें थोड़ी पता था कि हमें छाते धूप और बारिश में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए. बरोबर है. इसमें बाम डालूं. नहीं उन्हीं की बहन है तू. कुछ नहीं हो सकता तेरा. गुनगुन मुझे लगता है कि ये अन्विता के लाइफ में ना कुछ तो गड़बड़ है. मतलब सीरियसली इतनी एरोगेंट और नैरोमाइंडेड कभी नहीं थी यार वो. तूने नोटिस किया वो हर छोटी बात पे चिढ़ती रहती है. आई थिंक शी नीड्स हेल्प. सखी मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आई. तो क्यों भी फालतू में उसकी एग्नी आंटी बनी हुई है. Why don't you understand? उसका ब्रेकअप हो गया है. कल विवान का बर्थडे है और वो अकेला है. So तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका बर्थडे स्पेशल हो जाए. वो ये बर्थडे कभी ना भूले.
सखी यू कैन नॉट मिस दिस चांस। यही मौका है उसके दिल में एक खास जगह बनाने का। क्या बोल रही है तू गुनगुन? हाँ, कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में हो ना तो उसे मौका नहीं जिम्मेदारी समझना चाहिए। बात को समझ विवान, कंफ्यूज्ड है यार। ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में वो शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना भी ले, लेकिन क्या लेकिन? तू उससे प्यार नहीं करती, सच सच बता, नहीं करती? नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। तू देख, वो अपने क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से मुझे कह चुका है कि आई एम जस्ट अ गुड फ्रेंड फॉर यू, ही डजंट लव मी। सखी, तेरी ये बात बोलते हुए भी ना ऐसे लग रहा है सिर्फ तेरे होठ बोल रहे, तू नहीं बोल रही। तेरे दिल को भी पता है कि उसने झूठ बोला था, he loves you। तूने मेरे दिल के अंदर जाके देखा? See, even God agrees। गुनगुन, ये सब बचपना है यार। सखी, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल हम जा रहे हैं विवान के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। अन्विता उसके साथ नहीं होगी, तू उसके साथ होगी। And I want you to तू just go with the flow यार, समझ? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है ना? हाँ माँ, नहीं नहीं बोला है। मेरी माँ अभी टेम्परेचर नहीं है। हाँ हाँ, हल्दी वाला दूध पिला दिया है, अभी ठीक है। हाँ, पहले से बेटर। नहीं, कल ऑफिस नहीं जाने दूंगी। हाँ, एक दिन छुट्टी लेंगे तो उनको बेटर लगेगा। इनफैक्ट मैंने कियारा को मैसेज भी कर दिया। हाँ मैं हूँ ना, हो जाइए। हाँ 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 माँ, हाँ। तुम भी तो कहाँ सुन रही हो, क्यों जिद कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल मैं 100% छाता लेकर जाऊंगा। नो मिस्टर राजेश वागले, कल आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि कल 26 जुलाई है, याद है ना? 2005 की 26 जुलाई सुबह 4 बजे लौटे थे तुम, बांद्रा में फंस गए थे, कितना पानी भर गया था और मैंने पूरी रात रो रो के बिताई थी। बापरे, क्या बारिश हुई थी उस रात, ऐसा लग रहा था पूरी मुंबई डूब जाएगी। वो ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर इतना पानी था, उसमें से चलकर मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा। प्लास्टिक की थैली में मोबाइल और वॉलेट रखकर, जैसे वासुदेव ने कन्हैया को बचाया था उस तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा था। कितना स्ट्रेस में थी मैं उस रात, मैं तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। दादर में माँ पापा स्ट्रेस में थे पूरी रात। बस अब साईं बाबा से यही प्रार्थना है कि दोबारा ऐसी 26 जुलाई ना दिखाए मुंबई को। जो हो गया सो हो गया, सालों में ऐसे एक बार होता है, पर हर 26 जुलाई को डरना अच्छा नहीं है। हेलो, मैं हर 26 जुलाई को तुम्हें ऑफिस जाने से मना करती हूँ क्या? नहीं ना, लेकिन कल के लिए बहुत हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, इसलिए तुम ऑफिस नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। इनफैक्ट मैंने ज्योति भाभी और यामिनी भाभी से भी कह दिया है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई को भी कहीं बाहर नहीं जाने दे, और उन सबको कल यहाँ इनवाइट किया है चाय पकौड़ा पार्टी के लिए। ओ लवली, तो बच्चों से भी कह देना कि वो भी कहीं बाहर नहीं जाए। हाँ हाँ, बच्चे भी रहेंगे ना पार्टी में। अच्छा मैं चेक करके आती हूँ, कहीं पता चला खिड़की खुली छोड़ दी और पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। ओके, हुआ गुनगुन? क्या क्या हुआ? 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और तू विवान को फोन कर रही है। ओके, एंड ऑन अ सेकंड थॉट तू बर्थडे विश करने के साथ साथ उसे अपनी दिल की बात भी कह दे। गुनगुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ओके सखी, तुझे ये चांस मिला है ना, अगर तूने ये चांस भी मिस कर दिया तो भगवान तुझे सेकेंड चांस भी नहीं देंगे। तू उससे प्यार करती है ना? हाँ, लेकिन तू बात को समझ क्यों नहीं रही है गुनगुन? अन्विता ने सिर्फ गुस्से में ब्रेकअप की बात की होगी, और क्या पता अभी तक उनका पैचअप भी हुआ होगा। अगर ऐसा होता ना तो अन्विता और विवान साथ में होते कहीं पब, डिस्को या क्रूज पार्टी में होते, और अन्विता ने उसका फोन बंद कर दिया होता, राइट? हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो फिर आज रात 12 बजे तू उसे फोन करेगी, अगर रिंग गई या एंगेज आया तो समझ ले कि अन्विता और विवान साथ में नहीं है। That means अन्विता is seriously breaking up with विवान, right?
हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ तो अभी सिर्फ एक ही मिनट बाकी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तू उसे कॉल करो। ओके 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 हाँ ऑल द बेस्ट। हेलो शकीब, मैं हूँ। विवान तुम? मैंने तुम्हें फोन किया था मोबाइल पर बर्थडे विश करने के लिए। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया। I'm not in a mood of wishes. तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉल किया था? नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने कॉल किया। मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि सखी मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ना। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ सखी। फीलिंग वेरी अलोन। मॉम डैड भी स्टेट्स में, उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि अपने बेटे को कॉल करके बर्थडे विश करे। अनन्विता, she's left me all alone. विवान, please don't cry, हाँ, please, relax. You tell me now, what can I do, हाँ, क्या करूँ मैं, बताओ ना, please. Saki, can you please come here? I really need you. Please, my friend. Please. अभी विवान रात के 12 बजे है, बारिश भी बहुत हो रही है, मैं कैसे? ठीक है, नहीं आ सकती ना, इट्स ओके। हेलो विवान, मैं आ रही हूँ। सखी, आर यू श्योर अबाउट इट? क्या हुआ डैडी, अब रुक क्यों गए? आप अच्छा गा रहे थे। गाओ ना, गाओ गाओ। By the way, हमारी जंग आज घर में क्यों खेली जा रही है? बेटा, स्कूल नहीं गए? कमाल करती हो डैडी, मम्मी ने तो बोला था कि 26 जुलाई को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मैं स्कूल कैसे जाऊं? I'm sorry. मैं completely भूल गया। और वैसे भी आज स्कूल्स को छुट्टी होगी, बरसात देखो। नहीं नहीं अच्छा ही हुआ तुम नहीं गए, वरना तुम वहां परेशान यहां परेशान। हैं, गुड गुड डिसीजन वंदुरानी। थैंक यू मिस्टर राजेश वागले और जूनियर वागले,
जाके सखी वागले को बुला कर लाओ, क्योंकि मम्मा आज गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने जा रही है, और ज्योति भाभी और यामिनी भाभी भी पकौड़े लेकर आ रही है, क्योंकि आज हम सब चाय पकौड़ा पार्टी करने वाले हैं। चलो जाओ। सखी दीदी रूम में नहीं है, मुझे लगा वो बाहर आई होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.